खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत आए पीएम मोदी से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पीएम मोदी के साथ साझा बयान जारी किया तो उससे भारत को बड़ी निराशा हुई। पाकिस्तान दौरे के बाद भारत पहुंचे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भारत ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत को अपना दोस्त बताने वाला सऊदी अरब आतंकवाद के मुद्दे पर अपने कथित भाई पाकिस्तान को बचाता नजर आया। साझा बयान में क्राउन प्रिंस ने पुलवामा अटैक के लिए पाकिस्तान और जैश का नाम नहीं लिया। जहाँ तक एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है, जो हमारे कॉमन कंसर्न है, हम ये बात बताना चाहते हैं भारत को, भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर हो, और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो जो हमारे आसपास हैं, सब सबके साथ मिलकर काम करेंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य रोशन भविष्य को सिक्योर करेंगे हम। इससे पहले क्राउन प्रिंस को पीएम मोदी के गले लगाने पर विवाद भी हुआ। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान की मदद करने वाले प्रिंस को पीएम ने गले क्यों लगाया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।